हेलो एवरीवन, दिस इज बिंदेश्वरी वारे। सो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के मॉडल टेक्निक्स को। डियर स्टूडेंट्स, वाटर हार्वेस्टिंग के हम मॉडल मेथड्स को देखेंगे। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मॉडल मेथड्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है आर्टिफिशियल रिचार्जिंग एंड सेकेंड होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिचार्जिंग को और भी अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन पिट मेथड्स एंड सेकेंड होता है एब्जॉर्प्शन वेल मेथड्स एंड थर्ड वेल कम बोर मेथड एंड फोर्थ रिचार्ज ट्रेंच कम इंजेक्शन वेल मेथड। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फिर से और भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि इंडिविजुअल हाउस एंड सेकेंड ग्रुप्ड हाउस। आगे जाके ये इंडिविजुअल हाउस एंड ग्रुप्ड हाउस को दोनों को भी और भी भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट परकुलेशन पीट मेथड्स एंड सेकेंड बोर वेल्स विद सेटलमेंट टैंक्स एंड नेक्स्ट ओपन वेल मेथड्स विद फिल्टर बेड सम्प एंड नेक्स्ट परकोलेशन पीट विद बोर मेथड्स। हम देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के न्यू टेक्निक्स कौन कौन से हैं। देयर आर टू मेन टेक्निक्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सो फर्स्ट स्टोर ऑफ रेन वाटर ऑन सरफेस फॉर फ्यूचर यूज। ये पुरानी टेक्निक्स है, इसमें अंडरग्राउंड टैंक्स बनाया जाता है एंड पाउंड सेक डैम्स वेल्स ईटीसी बनाए जाते हैं इसके अंतर्गत। एंड सेकेंड जो होता है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है वाटर हार्वेस्टिंग का। ग्राउंड वाटर के रिचार्ज करने के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। फर्स्ट पीट रिचार्ज, सतह पर बड़ा सा होल बनाया जाता है, पथरीला स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे वाटर रिच करके ग्राउंड वाटर पे जा सके। एंड सेकंड जो होता है ट्रेंचेस, गम गहराई में परमेबल स्ट्रेचेस अर्थात परगम्य सतह हो तो इसका निर्माण करते हैं। एंड थर्ड होता है डग वेल्स, जो पहले से कुएं खोदे हो उसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अंतर्गत। एंड नेट्स हैंड पंप, कम गहराई में वाटर का रिचार्ज करने के लिए पहले से जो हैंड पंप अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट फिर देखते हैं रिचार्ज सेप्स, एक या दो बोर वेल्स के साथ 1.5 से 2 मीटर चौड़ा और 10 से 20 मीटर लंबा सेप्स बनाते हैं। इसमें अपर और डीपर दोनों एक्वीफायर रिचार्ज हो जाते हैं। इन सेप्स को पीछे से बोल्डर या रेत से भर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीडिंग टेक्निक्स, जब परमेबल स्ट्रेटा सरफेस के ऊपरी भाग से चालू हो तो इस टेक्निक्स को अपनाते हैं। इस टेक्निक्स में वाटर को छोटे डैम परकुलेशन पाउंड बना के धाराओं में स्प्रेड किया जा सकता है।